नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार, आपका आध्यात्मिक दोस्त, और वेदसार संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे चंद्रमा से विभिन्न भावों में जब कोई ग्रह है तो उसका क्या फल होता है, जिसमें हमने चंद्रमा से मंगल, चंद्रमा से बुध, चंद्रमा से सूर्य, चंद्रमा से बृहस्पति को कवर कर लिया है। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा से शुक्र के ऊपर कि चंद्रमा से अलग अलग भावों में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो उसका किसी जातक के ऊपर क्या फल होता है। दोस्तों, हमने पहले लग्न को ना लेकर पहले चंद्र कुंडली को प्रारंभ किया है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण ज्योतिष जो विद्वान हैं, जो ज्योतिर्विद हैं, वैसे लोग चंद्र कुंडली को उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं जितना लग्न कुंडली होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा अर्थ से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह है वह चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे पृथ्वी में विराजमान सभी द्रव्य को कंट्रोल करता है, हमारे अंतर मन को कंट्रोल करता है, हमारे अंदर के दृढ़ निश्चय और जो हमारा भावना विचार है उन चीजों को चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। चंद्र कुंडली से हम अपने दैनिक जीवन में सूक्ष्म प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आज कल क्या होगा, आज के समय इस घंटे में क्या होगा, उसको हम चंद्रमा के थ्रू प्रेडिक्ट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेजी से चलने वाला प्लैनेट है और एक राशि में लगभग 2 दिन 6 घंटा रहता है और फिर दूसरे राशि में वह प्रवेश कर जाता है। इसीलिए चंद्रमा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, चंद्रमा हमारी माता है। इसीलिए चंद्र कुंडली को हमने शुरू किया है, जिसमें हमने अन्य ग्रहों को जाना, आज हम शुक्र को जानेंगे। आइए दोस्तों, हम फल विवेचना करें। जन्म कुंडली में जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से प्रथम स्थान में शुक्र विराजमान होते हैं, अर्थात आपके चंद्रमा के साथ ही शुक्र बैठे हों, तो वैसा मनुष्य जल में मृत्यु पाने वाला होता है। साथ ही वैसे जातक की मृत्यु हिंसा से भी हो सकती है। ऐसे जातक के अंदर कुछ रोग होते हैं जो शीत से प्रधान रोग होते हैं। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा जहां पे विराजमान है उससे दूसरे स्थान में शुक्र अगर विराजमान हो तो वैसे जातक बहुत ही धनवान और बड़ा ज्ञानी माने गए हैं। वैसे जातक राजा से सम्मान और पराक्रमी होते हैं और फल में कोई संदेह नहीं है। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से तृतीय स्थान में शुक्र हो वैसे जातक धर्मात्मा, बुद्धिमान और उच्च कोटि के ज्योतिष होते हैं और धन का लाभ करने वाले होते हैं। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में शुक्र विराजमान हो वैसे जातक कफ प्रवृत्ति वाले होते हैं और अतिशय दुर्बल शरीर वाला वैसा जातक होता है। वैसा जातक वृद्धावस्था में धन से रहित हो जाता है। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से पंचम स्थान में शुक्र विराजमान है वैसे जातक की संतानें मोस्टली कन्याएं होती हैं, अधिक कन्या संतान होते हैं और वह जातक धनवान और यश से रहित होता है, अर्थात उनको कभी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से छठे स्थान में शुक्र विराजमान है वैसे जातक के खर्च बहुत ज्यादा होते हैं और कुछ गुप्त रोग उन्हें हो सकता है। वैसे जातक मोस्टली लड़ाई में हारने वाले होते हैं। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से सप्तम स्थान में शुक्र विराजमान है वैसे जातक पुरुषार्थ से रहित, अर्थात पुरुषार्थ को ना जानने वाले और मूर्ख तथा पद पद में शंका करने वाले देखे गए हैं। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से अष्टम स्थान में शुक्र विराजमान है वैसे जातक प्रख्यात और महायोगी देखा गया है। ऐसा जातक दान तथा भोग को करने वाला और बड़ा धनवान भी होता है। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से नवम स्थान में शुक्र विराजमान है वैसे जातक के भाई बहुत ज्यादा होते हैं और उनके मित्र भी बहुत होते हैं। वैसे जातक के अपने बहुत ही भगनी होती हैं। भगनी का अर्थ होता है उनकी जो बहन है, उनकी जो सिस्टर है, उनकी पुत्री, अर्थात उनकी जो बहन होती है
उनको भी बहुत सारी स्त्री संतान होते हैं। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से दशम स्थान में शुक्र हो, वैसे जातक माता पिता को सुख देने वाले और बहुत दिनों तक जीने वाले अर्थात दीर्घायु देखे गए हैं। जिस भी जातक के जन्म के समय एकादश स्थान में शुक्र विराजमान हो, अर्थात चंद्रमा से 11वें भाव में शुक्र हो, वैसे जातक दीर्घायु अर्थात बहुत दिन जीने वाले और शत्रु और रोग से रहित होते हैं, अर्थात उन्हें कोई भी शत्रु और कोई भी रोग नहीं लगता। जिस भी जातक के जन्म के समय चंद्रमा से द्वादश स्थान में अर्थात 12वें भाव में चंद्रमा से 12वें भाव में शुक्र हो, वैसे जातक सर्वदा पर स्त्रीगामी और लंपट अर्थात जो रोड में रोड साइड रोमियो देखा जा सकता है इन्हें, वैसे जातक ज्ञान से हीन भी देखे गए हैं। तो दोस्तों आज अपने जाना चंद्रमा से अलग अलग भावों में जब शुक्र विराजमान है तो उसका क्या फल होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने लग्न कुंडली से उस ग्रह की गिनती नहीं करनी, अपितु जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है उसको लग्न में लेना है और वहाँ से काउंटिंग करना है कि कोई ग्रह कहाँ पे विराजमान है और तब उसका फल यह समझना चाहिए जो मैंने बतलाया। दोस्तों हम आने वाले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे चंद्रमा से अलग अलग भावों में जब शनि रहते हैं तो उसका क्या फल होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।